तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके समक्ष एक और न्यू वीडियो लेकर के, जिसका मेन टॉपिक है कि आप आर्यावर्त बैंक का BC ID आप किस तरीके से लेंगे, या आर्यावर्त बैंक का CSP आप किस तरीके से लेंगे। ठीक, तो गाइस यार चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए क्या होता है ना, कि अगर किसी को CSP चाहिए आर्यावर्त बैंक का, ठीक है, या किसी भी बैंक का, तो लोग फट से एकदम ऑनलाइन तुरंत सर्च करने लगते हैं। ठीक, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ऑनलाइन देखिए जितना ही सुविधाजनक है ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, उतना ही हमारे लिए हार्मफुल भी है ये। ठीक, तो मान लीजिए अगर आप CSP के पोर्टल पर जाते हैं, CSPBankMitra.com पे, ठीक, तो वहाँ पे आपको स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, दो चार बैंक का मिल जाता है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप आर्यावर्त बैंक, ठीक, संयुक्त गोमती ग्रामीण बैंक या सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक, अगर इन बैंकों का अगर आप CSP लेना चाहते हैं तो आप कहाँ से लेंगे? अगर आप ऑनलाइन भी अगर इसे आप सर्च करते हैं ना, या यूट्यूब पे या किसी गूगल पे, तो आपको 500 से ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे इस पे। ठीक, तो यार मैं आपको एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीका और एकदम बेस्ट वे बताऊंगा आपको, जहाँ से आप ID ले सकते हैं। ठीक गाइस, देखो क्या होता है ना, आज की दुनिया में यार देखो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है दुनिया। ठीक, अगर कहीं आप ऑनलाइन या किसी वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर करके अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अगर आप ID लेते हो ना, तो क्या गारंटी है कि पेमेंट करने के बाद आपका, देखो पेमेंट तो यार जाहिर सी बात है पेमेंट तो लेगा ही। ठीक, पेमेंट करने के बाद आपको ID मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक, तो गाइस यार देखो ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पे आपके साथ ठगी भी हो सकती है। ठीक, और दूसरी बात तो ये है कि अगर कहीं किसी भी बैंक का अगर आप अप्लाई कर रहे हो CSP के लिए, ठीक, तो अगला बंदा अगर आपसे पैसे मांग रहा है ना, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई भी बैंक CSP प्रोवाइड करने का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे मैं आउट ऑफ टॉपिक चला जा रहा हूँ जो वीडियो का टॉपिक है, तो बिल्कुल यार, तो कोई बात नहीं, तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपको, देखिए अगर आपको लेना है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का, अगर आपको CSP ID लेना है, तो आपको देखिए करना कुछ नहीं होगा। आपको देखिए सबसे ऑनलाइन से बेटर है कि आप अगर आपके जो भी नज़दीकी एक ब्रांच होगा आर्यावर्त बैंक का, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसे आप ध्यान से सुनिएगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, नहीं तो आपके साथ यार गलत स्कैम भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। ठीक, तो इससे बेस्ट है कि आप चले जाइए आपके नियरेस्ट आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के होम ब्रांच में। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आप बैंक मैनेजर से आप एकदम अच्छे से बात कीजिए कि सर मुझे मिनी ब्रांच चाहिए, ठीक है, या CSP चाहिए मुझे आर्यावर्त बैंक का, तो मुझे क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, किस तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक, तो यार देखो वो पूरी तरीके से आपका हेल्प करेंगे। ठीक, ये डिपेंड करता है कि उन्हें टाइम है नहीं, आप थोड़ा किसी अच्छे टाइम में जाइए, ठीक है, अच्छे मूड में रहे वो, ठीक है, तो आप बिल्कुल जा करके आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपका जरूर हेल्प करेंगे। रही बात यार अगर कहीं आप ऑनलाइन अगर सर्च करते हो ना कि आप CSP कैसे लें, तो आपको 300 से 400 बहुत सारे वेबसाइटें मिल जाएंगे, ठीक, जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए भी बोला जाएगा। अब मान लो अगर कहीं, मेरी बातें आप ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मान लो आपको वेबसाइट पे तुरंत पेमेंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेमेंट नहीं लेगा। ठीक, हो सकता है कि देखिए अगर जैसे ही आप डेटा अपना फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने एक पोर्टल यहाँ पे खोल लिया है, ठीक, यहाँ पे सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा, तो फिलहाल यहाँ पे जो जिस बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बैंक का यहाँ पे तो नाम नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, अगर देखिए जैसे ही आप पूरा डिटेल अपना फिल करेंगे ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये डेटा कंपनी वाले के पास चला जाएगा, देन कंपनी वाला आपको कॉल करेगा, देन वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, फिर कहेगा कि आप इतना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए इस नंबर पे, ठीक, और आपका जो आईडी पासवर्ड आपके नंबर पे मैसेज हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉडगिरी हो सकता है यार, कितने लोगों के साथ होता भी है ये। ठीक, तो अच्छा होगा कि आप अपने ब्रांच में जा करके एक बार मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि वो कभी आपके साथ कोई भी गलत स्कैम नहीं होने देंगे। ठीक, तो यार लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था यार इस टॉपिक पे कि आर्यावर्त बैंक का CSP कहाँ से लें, कैसे लें। ठीक, तो मैं इस वीडियो में आपका छोटा सा यार एक हेल्प करने की कोशिश किया हूँ
ठीक है, मैं आशा करता हूँ यार कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा ना तो क्या करना है आपको पता है यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर कर देना। चलो यार, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।